बैग गाइस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने एक बैग ऑर्डर किया जो कि क्रोमा से ऑर्डर किया है, और ये फर्स्ट टाइम मेरा क्रोमा का एक्सपीरियंस है। तो मैं फर्स्ट टाइम क्रोमा का एक्सपीरियंस और बैग के बारे में डिटेल शेयर करूंगा। सो आप देख सकते हैं टाटा एंटरप्राइजेस, यहाँ पे क्रोमा लिखा हुआ है। सो ये बैग जो है वो सोल्ड स्टोर की तरफ से आता है, और मैंने 354 रुपीज़ में ये बैग को परचेस किया। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इनसे कट करना पड़ेगा। और पॉलिथीन मिली बैग के अंदर मुझे, इसमें ब्लू डार्ट के रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ ऑर्डर आईडी समथिंग। अब ये रहा बैग, आप देख सकते हैं बैग जो है thesoldstore.com यहाँ पे लिखा हुआ है। और बैग जो है ये 25 लीटर कैपेसिटी का है। यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है अगस्त 2019 का पैकिंग है, और MRP जो है वो 1179 रुपीज़, यानी 1179 रुपीज़ मेंशन है। बाकी हम देख सकते हैं बैग जो है वो ओवरऑल दिखने में एकदम अच्छा दिख रहा है, प्रीमियम। और इसमें टोटल कंपार्टमेंट की बात करें सो सबसे पहला कंपार्टमेंट है ये वाला कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट देख सकते हैं, फर्स्ट कंपार्टमेंट है। उसके अंदर एक्सेसरीज रखने के लिए अलग से चेन बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट चेन आप देख सकते हैं एक्सेसरी रखने के लिए बनी हुई। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, जैसे इसको ओपन किया यहाँ पे एक्सेसरीज रखने के लिए, यहाँ पे आप यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, और यहाँ पे आप छोटी अपनी डायरी या नोटबुक रख सकते हो। देन यहाँ पे हम आते हैं सेकेंड कंपार्टमेंट, मेरा सेकेंड कंपार्टमेंट। अब सेकेंड कंपार्टमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक लैपटॉप कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर 15.6 इंचेस का लैपटॉप इजीली आ जाएगा। यहाँ पे एक और पॉकेट है जो कि आप कुछ पर्सनल चीज़ रखने के लिए, स्मार्टफोन या टैबलेट अपना जो है वो इजीली यहाँ पे आएगा, 10 इंच का टैबलेट आ जाता है। सो ओवर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ सो बिल्ड क्वालिटी बैग की काफ़ी अच्छी है। पीछे अगर आते हैं स्ट्रैप जो है फुल्ली पैडेड स्ट्रैप है, और यहाँ पे आपको द सोल्ड स्टोर का लोगो भी दिख जाएगा। और ओवरऑल लुक वाइज बैग जो है काफ़ी बेहतरीन है, और क्वालिटी वाइज जो छूने में फील है ना वो प्रीमियम अलग ही फील हो रहा है आपको जब भी आप इसको देखेंगे। और अंदर ये ओरिजिनलिटी के लिए बारकोड भी दिया हुआ है बैग में, कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि बैग ओरिजिनल है या नहीं। अगर मैं कंपार्टमेंट वाइज बात करूं तो इसमें आप एक ट्रैवल बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी विड्थ देख सकते हैं 25 लीटर, सो विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको एज अ ट्रैवल बैग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो यही था कुछ रिव्यू, अभी मैं आगे इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगा कि बैग पहनने में कैसा दिखता है। ओवरऑल बैग की क्वालिटी गुड है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपको बैग कैसा लगा या बैग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।